क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास लिखा है लेट ए इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी ए बी सी. उसमें पूछा है हमारे पास इज ए इज सबसेट बोलते हैं इसको जो सी की तरह लगता है सबसेट बी एंड क्वेश्चन मार्क लिखा व्हाट प्रूव करना है हमें ए यूनियन बी. हमारे पास ए यूनियन बी ही निकाल लेते हैं हम पहले तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी. ए यूनियन प्रूव हो गया. अब निकालना है जो ए है वो सबसेट है कि नहीं है. तो यस है ये क्योंकि जो ए के जो वैल्यूज है वो बी से आ रहे हैं. तो हमारे पास ए तो हमारे पास आंसर आता है इसका यस. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थ्री. इसमें लिखा इफ ए एंड बी आर टू सेट्स क्वेश्चन यही क्वेश्चन नंबर थ्री आ रहा है. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी. दोबारा से क्वेश्चन वही है. हमारे पास लिखा है कि दो जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं इफ ए एंड बी आर टू सबसेट सच दैट ए सेट इज बी एंड देन ए यूनियन बी. तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यस इन दोनों का जो सेट रहता है यही है यस. लिख लेंगे ए एंड बी आर द टू सेट्स एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी. क्या रहेगा यस ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी. ये आंसर आ गया. हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन में 6 और 7 पार्ट हैं. हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में जो 1 2 3 4 बी दिया 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड सी 5 6 7 8 और डी आता है 7 8 9 10. हमारे पास ये सारे के सारे वैल्यूज आ गए. हमें निकालना क्या है बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें. हम सिंपली जो एज इट इज वाले पार्ट है वो सिर्फ एक एक करेंगे. ए यूनियन बी लिखा तो जो ए के वैल्यूज है और बी के हैं वो राइट कर ले रहे हैं. एक बार राइट कर लिए 1 2 3 4 राइट हो गए. देन आफ्टर हम लिखेंगे बी के पॉइंट्स 3 4 5 एंड 6 राइट कर लिए. यूनियन होता है सारे के सारे का टर्म्स का मिक्स करना. तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स राइट कर लिए एज इट इज 5 6. तो अब इसी टाइप के हमारे पास आगे 3 क्वेश्चंस और रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है ए यूनियन सी 3 है बी यूनियन सी 4 है बी यूनियन डी. ये क्वेश्चन एज इट इज ही रहेंगे. तो ये आपके लिए होमवर्क भी रहता है. हम इसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इसका 5th पार्ट है. उसमें ए यूनियन बी यूनियन डी. इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है ए यूनियन बी जो मैंने ऊपर ही निकाल लिया है ये वाला.
तो अब हम जब राइट करेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्ट हो जाता है, ए यूनियन बी, आंसर आ गया। तो जब आंसर आया तो मैं राइट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 और यूनियन साथ में, तो डी के जो वैल्यूज है वो राइट कर लो, क्या है 7 8 9 10 7 8 9 10 तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। इसके जो दो बाकी पार्ट बचे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो पार्ट्स हैं 6 पार्ट है इसका, ए यूनियन बी और यूनियन डी। अच्छा ये मैंने कर लिया, यूनियन इसका पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी एंड 7 था बी यूनियन सी। ये पार्ट्स आपको खुद करने, ये बी लिखा है। ये पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी को भी ये पार्ट्स कैंसर्स नहीं आते हैं तो जो ग्रुप है उसके ऊपर मैसेज करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूछ लें। ओके थैंक यू।